नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड। हाल ही में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मीडिया रजिस्ट्रेशन के कानून अब बदल गए हैं। तो आपको ये जानना भी चाहिए कि मीडिया के कानून अभी नहीं बदले हैं, बल्कि एक संशोधन होने जा रहा है। ये PRB एक्ट 1867 के अंदर संशोधन हुआ है। इस बिल को राज्यसभा में अगस्त में पास भी कर दिया गया है। उसके बाद फिर ये चर्चा हुई थी कि इस बिल को, जिसका कि नाम अब बदलकर हो गया है PRB एक्ट 1823, यानी कि PRB एक्ट 1867 को 2023 में अमेंडमेंट किया गया, राज्यसभा में पास हुआ और चर्चा हुई कि इसको अब लोकसभा में रखा जाएगा। अभी जो बीते दिनों विशेष सत्र हुआ था उसके अंदर, लेकिन बीते विशेष सत्र के अंदर केवल महिला आरक्षण बिल ही पास हो सका और इस बिल पर चर्चा नहीं हुई। तो आने वाले अगले सत्र में हो सकता है इस पर चर्चा हो और संभावना है कि ये पास हो भी जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा विशेष क्लॉज नहीं है जिस पर विपक्ष को आपत्ति हो। इस एक्ट में केवल थोड़े बहुत संशोधन किए गए हैं जो कि प्रिंट मीडिया के रिगार्डिंग है, कि अगर कोई व्यक्ति अपना अखबार रजिस्टर्ड कराना चाहता है या फिर पत्रिका रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया को आसान किया जाए। जो इसके पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती थी जिसका मालूम ही नहीं होता था कि वो कब पूरी होगी, कहने के लिए वो 30 से 60 दिनों की प्रोसेस होती थी, लेकिन करते करते उसमें साल, डेढ़ साल, दो साल तक लग जाते थे। ये बात खुद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही कि पहले 3-3 साल तक इसमें लग जाते थे। इसके अलावा DM भी इसको खूब लंबा लटकाया करते थे, लेकिन अब इस प्रोसेस को इतना ईजी करेंगे कि केवल आवेदक को 2 फॉर्म भरने होंगे। पहला उसे ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा DM के लिए और दूसरा भरना होगा RNI के लिए। अगर DM इसके अंदर उसकी वेरिफिकेशन ना भी करे और रिकमेंडेशन ना भी करे, तब भी RNI उस पर विचार करके टाइटल को अप्रूव कर देगी। तो इस तरह से ये एक आसान प्रोसेस हो जाएगी। और इसमें साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात रही कि इसके अंदर से जो अपराधी वाली धारा थी वो हटा दी जाएगी। छोटे मोटे गलतियों पर जेल के प्रोविजंस को हटा दिया गया। अब बात ये आती है कि क्या इसके अंदर डिजिटल मीडिया को भी इंक्लूड किया गया है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। डिजिटल मीडिया के लिए अभी भी वही प्रोसेस है, उसको मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं मिला है। उनके पास अभी भी केवल एक ही ऑप्शन है कि वो जाकर MSME में खुद का रजिस्ट्रेशन कराएं और IT रूल 2021 का पालन करें। अगर आपको इस विषय में अधिक जानना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो MSME के ऊपर हैं और IT रूल 2021 के ऊपर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि मीडिया रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जो पुराना एक अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था PRB एक्ट 1867, उसको बदलकर PRB एक्ट 2023 कर दिया गया है, जो लोकसभा में पास होना बाकी है। अगर आपका इस संबंध में कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।